दोस्तों जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत पे आधारित कुछ और क्वेश्चंस पे, और आज ये क्वेश्चंस कुछ लिखित टाइप के हैं और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं आज कराऊंगा, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको PDF डाउनलोड करना है और वहाँ से आप क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सलूशन हम यहाँ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है? राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? इस तरह के क्वेश्चंस को हम करने के लिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है राम की आय, जनरल वे में देखा जाए तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय बराबर श्याम की आय से 20% अधिक इतना है। तो पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? अब आपको पता ये करना है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो मैं अगर मान लेता हूँ श्याम की आय एस है, एस पर श्याम, और राम की आय आर है, तो इस केस में अगर मुझे ये पता हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, श्याम की आय की तुलना किससे हो रही है? राम की आय से। तो यहाँ पर जिससे तुलना हो गया उसको हम नीचे रखेंगे, आर नीचे हो गया, और यहाँ कम अथवा अधिक की बात हो रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों की आय को घटा के रख देंगे, तो एस माइनस आर ये हो जाएगा गुणे 100। ये हमारा आंसर होगा कब, जब मुझे आर यानी कि राम की आय पता हो, एस यानी कि श्याम की आय पता हो तब। लेकिन ना तो मुझे राम की पता है ना तो श्याम की, बस ये दिया हुआ है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो इस केस में हम लोग जब भी परसेंटेज पूछे तो कोई भी वैल्यू आप क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। कि मैं मान लेता हूँ कि राम की आय कितनी है, यहाँ पर श्याम की आय मैं मानता हूँ श्याम की, इसको मैं मान लेता हूँ 100% है, यानी 100 है। श्याम की आय कितनी हो गई, 100 हो गई। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ये 100 मानने का फायदा ये है कि 100 का 20% 20 होगा, 100 का 10% 10 के बराबर होगा, 100 का 1% 1 के बराबर होगा। 100 पे आप जितना परसेंट लेंगे उतने ही वैल्यू उसके बराबर होगी, यानी 100 का 20% यहाँ कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो श्याम की आय हो जाएगी राम की आय बराबर, राम की आय बराबर श्याम की आय जो 100 है वो, और प्लस 100 का 20%, 20% अधिक है ना। तो मैं मान लेता हूँ श्याम की आय 100 है, तो राम की आय क्या होगी, 100 और प्लस 100 का 20% और अधिक होगी, इसका मतलब हो जाएगा 100 प्लस 100 का 20% यानी कि 20, तो ये क्या हो जाएगा, 120। अब ये आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर श्याम की आय मैंने 100 माना तो राम की आय क्या हो जाएगी, 20% अधिक यानी कि 120 हो जाएगी। अगर 40% अधिक कहता तो राम की आय कितनी हो जाती, 140 हो जाती। अगर मान लीजिए कहता कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, 20% कम है, तो उस केस में मैं मानता कि श्याम की आय कितनी है, 100, जिससे तुलना करें उसको 100 माना जाएगा। तो श्याम की आय मान लीजिए 100 है, अब 20% अगर कम है तो राम की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 20 यानी कि 80 हो जाएगी। ये फायदा है, कम है तो घटा दीजिए, अधिक है तो उतना जोड़ दीजिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा एस, यस यानी कि श्याम, श्याम की 100 है, माइनस राम, राम की कितनी है 120, 120 बटा में आर, आर यानी कि राम, राम की कितनी है 120, एक सौ बीस गुणे हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 कटा और ये हो जाएगा 100 में से 120 कटाएंगे तो बचेगा 20, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं, तो 20 बटा में 12 गुणे 10, तो ये हो जाएगा आपका 200 बटा में 12, इसको काटेंगे तो आएगा 12 कम 12 8 80, यानी कि 12 6 72, 8 80 और 12 6 72, 12 6 72, तो इस तरह से ये परसेंट आएगा 16.66%, ये आंसर हो जाएगा। फिर से जैसे जिसकी भी तुलना करें कि ये इस व्यक्ति की आय किसी अदर व्यक्ति की आय से इतना परसेंट कम है या ज़्यादा है, तो उसके इसमें जिससे तुलना करें उसको आप मानेंगे 100। जैसे यहाँ पर राम की आय कह रहा है कि श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मैंने मान लिया कि श्याम की आय कितनी है 100 है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी श्याम की आय से 20% अधिक, यानी कि 100 + 100 का 20% यानी कितनी हो जाएगी 120। इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि अगर ये 100 है और वो 100 से 20% अधिक है तो 100 + 20 = 120, अगर कहे कि 30% अधिक है तो 100 + 30 = 130, अगर मान लीजिए कहे कि 120% कम है तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80, 30% कम है तो 100 में से 30 घटाइए 70, जिससे कम अथवा अधिक होने की बात करें हम उसको 100 मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली रख लेना है, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या ए बी से 10% अधिक है, संख्या ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है, संख्या ए बी से 10% अधिक है, ए बराबर बी से 10% अधिक, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ये बराबर बी से 10% अधिक, तो यहाँ पर तुलना बी से हो रही है, तो ए कह रहा है कि मैं बी से 10% अधिक हूँ, बी से मैं 10% अधिक हूँ, तो यहाँ पर मैंने 2 माना, अब बी से अधिक होने की बात कर रहा है तो मान लीजिए बी कितना है 100 है, अगर बी 100 हो गया और ए बी से 10% अधिक है, इसका मतलब 100 में 10% और अधिक कर दीजिए तो 100 + 10 = 110, यानी ए कितना हो जाएगा 110। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, तो आपको समझना ये है कि तुलना कौन किससे कर रहा है, तो तुलना बी कर रहा है ए के साथ, तो नीचे कौन जाएगा ए, कम अथवा अधिक की बात हो रही है तो यहाँ पर ए माइनस बी होगा और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ कम अथवा अधिक नहीं होता तो केवल यहाँ ऊपर बी रखा जाता। अब इनका जो घटाना आएगा उसको आपको नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है, यानी कि धनात्मक लेना है, तो ए में से बी घटाइए 110 में से 100 तो ये हो जाएगा 10, ए ए की वैल्यू कितनी है 110 गुणे 100, ये 0 से 0 कटेगा तो आ जाएगा आपका 100 बटा में 11, अब इसको भाग करेंगे तो आएगा 9 से ही 1/11%, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट कर लीजिएगा, राम की आय श्याम की आय से 30% अधिक है, तो यहां पर कह रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में राम की आय
शाम की आयु से 30% अधिक है, तो ये क्या है, बराबर शाम की आयु से 30% अधिक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि राम और श्याम की आय है कितनी हो सकती है। और आगे देखिए कह रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है। अब देखिए तुलना हो रही है राम की आय श्याम की आय की, किसके, राम की आय से, तो नीचे क्या हो जाएगा, राम कम अथवा अधिक की बात हो रही है तो दोनों घट जाएंगे, यानी कि श्याम माइनस राम और गुणे क्या हो जाएगा 100। अब आइए यहाँ पर ये है राम और ये है श्याम, राम की आय श्याम की आय से 30% अधिक, तो मैं मानता हूँ कि श्याम की आय कितनी है 100 है। राम की आय 30% अधिक है, अगर श्याम की 100 हो गई तो इसकी कितनी हो गई 130 होगी, 30% अधिक है तो ये हो गई 130। अब रख दीजिए यहाँ पर, ऊपर लिखना है दोनों को घटाना, तो 130 में से 100 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 30, और राम की कितनी है 130 गुणे में 100, ये जीरो इससे कटा तो ये हो जाएगा 300/13, आंसर आ जाएगा इसका 13 × 2 = 26, 4 × 5 = 40, 13 × 3 = 39, 1/13, यानी 23 से ही 1/13% ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बी से 10% अधिक है। ये क्वेश्चन का नंबर देखिएगा, 2-3 ऐसे करके दिया हुआ है, कोई सीरियल नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को कट कॉपी किया हुआ है, जो जो अच्छे क्वेश्चन दिखे एक टाइप के दिखे, मैं जस्ट उनको कैमरा से फोटो खींचकर इसको मैंने एक साथ कंबाइन कर लिया है। संख्या ए बी से 10% अधिक है, ये कह रहा है कि ए बी से 10% अधिक है, पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है। चलिए पहले यहाँ देख लीजिए, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो नीचे कौन जाएगा, ए, ऊपर कौन आएगा, कम या अधिक की बात हो रही है तो ऊपर का आएगा घटाना और गुणे क्या कर देंगे 100। अब यहाँ आते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी से 10% अधिक है तो मैं मानता हूँ बी कितना है 100, ए बी से 10% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 110, दोनों घटा दीजिए तो आएगा 10 और नीचे आएगा ए, ए यानी कि 110 गुणे 100, ये जीरो से कट गया हो गया आपका 100/11, शायद क्वेश्चन रिपीट कर गया, नहीं रिपीट नहीं किया है, क्वेश्चन फिर से आ गया, कोई बात नहीं, 9 से 1/11% ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से कर लीजिए अगर आ गया तो, वीडियो को रोकिए और इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, कह रहा है राम की आय बराबर क्या दिया हुआ है, श्याम की आय से 25% कम, तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है श्याम की आय
राम की आय से कितने परसेंट अधिक है, से कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे क्वेश्चन है। अब श्याम क्या है, राम क्या है, तो नीचे कौन होगा, राम, और ऊपर कौन होगा, अधिक या कम की बात कर रहा है तो ऊपर आएगा घटाना, दोनों का ऊपर घटाना आएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब देख लेते हैं कि राम और श्याम की आय है कितनी। यहाँ मैं मान लेता हूँ राम और यहाँ मान लेता हूँ श्याम। ये श्याम है, देख लीजिएगा इंग्लिश में लिखा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। राम क्या है, श्याम क्या है, से 25% कम है, तो श्याम क्या है, यहाँ श्याम क्या है से तुलना हो रही है, मान लीजिए श्याम क्या है कितनी है, 100। 25% कम है, हम बताइए कि 100 में से 25 अगर आप घटा देंगे, 100 में से 25 तो कितना बचेगा, 75। यानी कि राम क्या है कितनी हो गई, 75 हो गई। अब इन दोनों का अगर मैं घटाना ले लूँ तो कितना आएगा, 25 आएगा। 100 माइनस 75 25, और राम की आय कितनी मैंने लिया, 75, तो ये हो जाएगा आपका 75। तो कुल कर देंगे हम लोग 100, तो 25 3 75, 1/3 × 100 बराबर 100/3। 100/3 कहिए या 1/3 × 100 कहिए, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख लिया हूँ। तो 1/3 आपने देखा होगा, एक परसेंटेज है, 37 सही 1/3% के। आप बिना डिवाइड किए भी पता कर सकते हैं कि भाई 1/3 तो होता है 37 से 1/3% के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 100/3 करिए, 100 में भाग करिए 3 से, भैया आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। संख्या ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो कह रहा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से कितना परसेंट अधिक है, एक क्वेश्चन मार्क बने, कितना परसेंट माने परसेंट। यहाँ ये बी ए से तुलना ए से हो रही है, किसकी, बी से, बट अधिक अथवा कम की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अनुकूली क्या हो जाएगा, 100। अब पता कर लेते हैं ए और बी क्या है, तो ए बी, ए बी से 10% कम है, तो बी को मैंने मान लिया कितना, 100, और 100 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 90। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो हम लोग 100 मानते हैं उसको मानते हैं जिससे क्वेश्चन में तुलना की गई हो, समझ रहे हैं, 100 उसको मानेंगे जिससे क्वेश्चन में तुलना की गई हो, उसे नहीं मानेंगे जिसकी तुलना की गई हो। यहाँ पर क्या है, ए बी से, तो ए की तुलना बी से की गई है, भाई ए बी से क्या परसेंट अधिक है, क्या परसेंट कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो बी से की जा रही है, तो इसीलिए बी को हमने 100 माना, हमने ए को नहीं माना। जब मैं बी को 100 मान लूँगा तो ये जितना अधिक कहेगा तो मैं 100 में जोड़ दूंगा, कम कहेगा तो मैं 100 में से घटा दूंगा। अब देखिए, जब भी अधिक या कम की बात होती है तो ऊपर हमेशा परसेंटेज आता है, किसी भी केस में कम अथवा अधिक की बात हो तो ऊपर आएगा हमेशा दोनों का घटाना। तो 100 माइनस 90 10 हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने लिया है 90 × 100, ये 0 0 कटा, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 × 100, और ये होगा 11 से 1/9%। वीडियो पर ओके या नोट कर लीजिए, अगर आपके परसेंटेज की लिस्ट में ये 2% नहीं है तो फिर से नोट कर लीजिए। 1/9 बराबर होता है 11 से 1/9%, 1/11 बराबर होता है 9 से 1/11%। ये 2% नए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, और वीडियो को 1 से 1.5 मिनट के लिए रोकिए और ट्राई करिए, सारे क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करिए, उसके बाद हर एक क्वेश्चंस के लिए वीडियो को आप 1 से 1.5 मिनट के लिए, या ना हो सके तो 2 मिनट के लिए रोकिए। जब सलूशन आपसे हो जाए 2 मिनट के बाद आप सलूशन देख लीजिए क्या इसका सलूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दी जाती है, तो श्रमिक की मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? ध्यान रखिए कि अगर किसी संख्या को पहले एक्स परसेंट घटाया जाए फिर एक्स परसेंट बढ़ाया जाए, तो उस संख्या में जो फाइनल हमेशा क्या होगा, कमी ही होगी। जैसे मान लीजिए कि इतनी बड़ी एक लंबाई है, ये रॉड है, ये रॉड है आपकी 10 मीटर की, 10 मीटर लंबी रॉड है ये भी। अगर मैं इसमें पहले क्या करता हूँ, 10% की वृद्धि करता हूँ, 10% मैंने वृद्धि किया तो बढ़ गई होगी, मान लीजिए बढ़ के इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। फिर मैंने क्या किया, जब इतनी बड़ी हो गई तो फिर मैंने 10% की कमी कर दिया, क्या कर दिया, 10% की कमी कर दिया। तो अब इतना बड़ी थी, मैं अगर लेंथ में 10% की कमी करूंगा तो रॉड छोटी होगी, तो क्या ये रॉड जितनी पहले थी उतनी ही बड़ी होगी? एक नज़र में तो यही दिखता है कि भाई 10% बढ़ाया आपने, फिर 10% कम कर दिया, तो फिर से वही लेंथ आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो रॉड की लेंथ होगी वो इस प्रारंभिक लेंथ से, जो स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वास्तव में, उससे थोड़ा कम रहेगी, यानी कि इतनी आएगी, ध्यान रखिएगा, कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि अगर किसी, दूसरे शब्दों में समझिए कि अगर किसी ज़मीन के दाम में पहले 10% की बढ़ोतरी की गई, मान लीजिए कि पहले 1,00,000 रुपये की ज़मीन थी, मैंने उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दिया, तो अब 1,10,000 की हो जाएगी। फिर मैं क्या करूं कि 1,10,000 पे फिर से मैंने 10% की कमी कर दिया, भाई 10% बढ़ाया ज़मीन का दाम, फिर मैंने उस पर 10% कम कर दिया, तो अब जो ज़मीन का दाम होगा वो पुनः 1,00,000 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया तो चलो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर से वही 1,00,000 रुपये की ज़मीन हो जाएगी, नहीं। और फाइनली अब 1,00,000 से थोड़ा कम रहेगी, एग्जैक्ट 1,00,000 नहीं रहेगी, मीन्स लॉस होता है। अगर किसी वस्तु का दाम अगर मैं 10% बढ़ा दूं और फिर से मैं 10% कम कर दूं तो उस केस में उसमें लॉस होता है। जैसे पहले श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर, जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान था, 100 रुपये की वस्तु थी, पहले मैं इस पर 40% कमी करूँगा इसके दाम में, तो अगर मैं 40 रुपये कम कर दूँगा, 100 में 40% मतलब 40, तो अब बचा कितना? देखिए मैं इसमें 40% की कमी कर रहा हूँ, तो अब कितना हो जाएगा, ये बच गया 60। अब मैं फिर से क्या करूँगा, इसमें 40% की वृद्धि करूँगा, 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि होने का मतलब कि देखिए हमेशा कोई भी दाम 100% होता है, कोई भी दाम हमेशा 100% होता है, कि अगर ये पहले 60% था, यानी कि 100% था, 40% की वृद्धि हो गई, यानी कि अब ये कितना हो गया, 140% हो गया, तो अब 60 का 140% निकालिए तो आएगा 60 × 140/100, ये 2 जीरो इससे कट गए तो आ गया 14×6=84। देखिए शुरुआत में वस्तु का दाम कितना था, 100 था, लेकिन फाइनली कितना हो गया, 84 हो गया, यानी कि 40% कमी की गई, फिर से मैं 40% बढ़ाया लेकिन उसका दाम 100 नहीं पहुंचा, कितना पहुंचा, 84 रह गया। देखिए और मान लीजिए 100 रुपये किसी वस्तु का दाम था, मैं इस पर पहले 10% बढ़ाता हूँ, 10% मैं बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब मैं फिर से क्या करूँगा, इसमें 10% घटाता हूँ, घटाने का मतलब डाउन चिन्ह हो जाएगा इसका, एरो का, तो 10% मैं घटाऊँगा तो अब कितना रह गया होगा, ये पहले रहा होगा 100%, मैंने 10% घटा दिया तो अब अपने पुरानी वैल्यू का 90% रह जाएगा, यानी कि 110 का 90%, 110 × 90/100, ये 2 जीरो कटा तो 11×9 कितना हो गया, 99, देख लीजिए, यानी कि 10% कम बढ़ा के मैं 10% फिर से घटा रहा हूँ,
तो ओवरऑल ये नहीं कि 0% ही वृद्धि अथवा कमी हुई या कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फाइनली कमी हो ही रही है। 100 था बट 99 हुआ। यहाँ भी देखिए 40% की पहले मैंने कमी किया, फिर 40% बढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 का 100 ही दाम रह गया, नहीं, और बल्कि 84 रह गया। इसी तरह से एक सूत्र आपके सामने बनेगा कि अगर किसी वस्तु का दाम X% घटाएं, यदि किसी वस्तु का दाम पहले X% घटाएं, फिर X% बढ़ाएं, तो वस्तु के दाम में प्रतिशत कमी, देख हमेशा कमी ही होगी, वृद्धि नहीं हो सकती, ये हो जाएगा X²/100%, इतना परसेंट जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम आने वाला है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी किसी वस्तु का दाम हमेशा 100% होता है। जैसे भले ही उसका मैं 20% कम कर दूं, 10% कम कर दूं, कम करते जाऊं, लेकिन जब भी वो रहेगा तो अपने आप में वो 100% ही रहेगा। चाहे वो एक ही रुपये क्यों ना हो, लेकिन अपने आप में वो 100% है। 100 रुपये भी अपने आप में 100% है, 1,00,000 रुपये भी अपने आप में 100% है, यानी कि कोई भी दाम अपने आप में वो 100% होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई वस्तु है, इसका दाम X रुपया है, या मान लीजिए कि 200 रुपये है, इसका दाम 200 रुपये है, तो 200 रुपये का अगर दाम है, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी, ये जो 200 रुपये है ना, ये अपने आप में कितना है, 100% है। तो 10% की कमी होने का मतलब कि पहले 100% रहा होगा, अगर 10% की इसमें कमी हो गई तो अब कै परसेंट बचा होगा। देखा जाए परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूँ तो कहूँगा कि भाई 90% बचा, 10% की कमी हो गई तो बचा कितना, 90%। अगर मैं मान लीजिए इसी को कहता कि 10% की वृद्धि हो गई इसमें, अगर 10% की वृद्धि हो गई तो पहले 100% था, अगर 10% और बढ़ गया तो अब कितना हो गया होगा, 110% हो गया होगा। तो ये जो दाम है, इस देखिए प्रतिशत में हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर बढ़ गया 10% बढ़ गया, इसका मतलब कि अब वो एक अपने पुराने मान का 110% हो गया होगा। अगर 10% की कमी हो गई तो अपने पुराने मान का जो कि 100% था, अब वो 90% रह गया। मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, कितना भी उसका दाम है, वो हमेशा 100% रहेगी। अगर 25% बढ़ गया उसका दाम, तो इसका मतलब कि फाइनली उसकी जो प्राइस 125% हो गई, अगर कम हुआ तो इसका मतलब वो 75% हो गया, अगर 25% की कमी हुई तो। इसमें एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दी जाती है, तो श्रमिक की मजदूरी में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। देखिए पहले कितनी बढ़ी, मैं मान लेता हूँ X है, ये 40% घटाई गई। फिर कह रहे हैं 40% बढ़ाई गई, 40% घटाया, फिर 40% बढ़ाया, यानी कि X का मान कितना हो गया, पहले दाम X% घटा, फिर X% बढ़ा। यहाँ पर पहले बढ़ भी सकता है, फिर बाद में घट सकता है, ये जरूरी नहीं है, यानी कि पहले घटे ही उसके बाद बढ़े। तो यहाँ पर X बराबर कितना हो गया, 40%, 40% बढ़ा, 40% घटा, तो फाइनल जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन कितने का हुआ,
परिवर्तन बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100%। अब देख लीजिए 40 का स्क्वायर बटा 100, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 4 चौक 16 ऐसे लिख लीजिए 40 × 40 बटा में 100, ये दो जीरो कट जाएंगे तो ये हो जाएगा 16%। इतने परसेंट की वृद्धि नहीं होगी, ये कमी होगी, हमेशा कमी होती है, इसको याद रख लीजिए। तो ये थे क्वेश्चन, इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन हैं सेम तरह के, एक दो क्वेश्चन और हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छात्र ने एक संख्या में पहले 10% की कमी करके प्राप्त फल में पुनः 10% की वृद्धि कर दिया, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितने परसेंट कम या अधिक है? तो अधिक तो होगी नहीं, कमी होगी। तो यहाँ एक्स की अगर 10 रख के आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में, एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 15% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 15% घट जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो 15% पहले क्या हुई, बढ़ी फिर घटी, तो ओवरऑल कमी ही होना है। तो यहाँ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15, तो 15 का स्क्वायर बटा में 100, यहाँ ये आपका परसेंटेज हो जाएगा, डायरेक्टली आएगा, यहाँ 100 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के कुछ क्वेश्चंस, बाकी दो क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।